नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके अफिलेटेड कॉलेज में जो है एलएलबी 3 ईयर्स के जो है फिफ्थ सेमेस्टर में है, या जो है एलएलबी ऑनर्स के जो है आप लोग जो है स्टूडेंट हैं 10th सेमेस्टर में है, या जो है एलएलबी जो है आप लोग जो है 6th सेमेस्टर में जाएंगे, तो उनके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से देखना होगा। क्योंकि आपको सिलेबस से रिलेटेड क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड जो है एक लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो है नोटिस जारी किया है और इसमें बताया है बेकायदे, और आपके लॉ फैकल्टी से भी नोटिस आई है। इसमें क्या लिखा हुआ मैं इसको बता रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से देखना होगा। अगर इस वीडियो को मिस करेंगे तो आपके साथ दिक्कत होगी, पता चले कि जो है आपके सिलेबस में जो है चेंजिंग हुआ है, पता चले आप दूसरा जो पुराना ओल्ड सिलेबस जो है पढ़ के चले जाए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट जो है एनईपी के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये नोटिस है ही है, तो ठीक आप लोग ध्यान से और अच्छे तरीके से देखिएगा और बढ़िया से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, अधिक से लोगों के बीच में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। यहाँ से आपको जो है लॉ से रिलेटेड जो है ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा ऑलरेडी, पहले से मुझे जानते होंगे, नहीं तो आप अपने दोस्तों और अपने हित को जो है अपने जानने वाले को भी जो है बताएं। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है नोटिस में देखिए, अब जो है एलएलबी में बनाना होगा प्रोजेक्ट। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट जो है एनईपी के थ्रू आए हैं, 2020 में एनईपी लागू हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो 2021 से जो है चालू हो गया यहाँ। ठीक, जब 2021 में जो एडमिशन हुआ तो वहां से जो है एनईपी जो है स्टार्ट हो चुका था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो इसमें कहा गया है कि एलएलबी में बनाना होगा प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। एक दिया जाएगा टॉपिक, एक चीज दिया जाएगा, उस पर आपको प्रोजेक्ट बेकायदा, जैसे एमबीए के स्टूडेंट बनाते थे, बीकॉम के स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट बनाते थे, जो है बीटेक के स्टूडेंट बनाते थे, अब आपको भी जो है प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, एलयू के एलएलबी 3 व 5 वर्षीय जो है नए पाठ्यक्रम में कई चीजें हुई है शामिल। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलबी के नए पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं के लिए कई चीजें शामिल की है। 3 वर्षीय कोर्स में 6th सेमेस्टर और 5 वर्षीय कोर्स के जो है 10th सेमेस्टर में छात्र छात्राओं को किसी एक विषय पर प्रोजेक्ट या जो है आपको जो है टेजर्टेशन तैयार करना होगा। मतलब क्या कि जो एलएलबी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे प्रेजेंट टाइम में, जो अभी जो है 5th का चल रहा है, अगले जो है 1 से 2-3 महीने के बाद जो है 6th में जाएंगे, तो उन्हें प्रोजेक्ट बनाना होगा। बाकी एलएलबी ऑनर्स के स्टूडेंट जो है जो 10th सेमेस्टर में जाएंगे उन्हें भी एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये जो है एनईपी के थ्रू जो है इसमें जोड़ा गया है, जो कि अभी जो है आज जो है ये गाइडलाइंस आई है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और जानिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि जो है इसकी प्रस्तुति के साथ जो है वाइवा भी आप लोगों को देना होगा, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर वाइवा भी आपको बेकायदे लिया जाएगा। जो है आप अगर अफिलेटेड कॉलेज से पढ़ रहे होंगे तो मेन कैंपस से जो है आपके प्रोफेसर आएंगे, वहां वाइवा लेंगे, ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज के जो है टीचर लेंगे या प्रोफेसर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कैंपस से आएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा गया, और देखिए, और इसके लिए जो है 100 नंबर निर्धारित किए गए, 100 नंबर का टोटल होगा। 6th सेमेस्टर में लीगल रिसर्च मेथड का नया पेपर भी पढ़ना होगा आपको, लीगल रिसर्च करके जो है एक मेथड कर उसका पेपर जो है आपको अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से जो है आपको लास्ट सेमेस्टर में एलएलबी 5 ईयर्स के जो है 10th सेमेस्टर में और एलएलबी जो है 3 ईयर्स के जो है 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नए आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, अभी से यूनिवर्सिटी ने जो है गाइडलाइन दे दिया है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, आगे जो है अगले सेमेस्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखिए लिखा गया है जो आपके जो है लॉ फैकल्टी से गया है, ये तो आपके मेन कैंपस से आया था, जो कि आपके डीन के द्वारा ये कहा गया था, और आगे देखिए जो लॉ फैकल्टी के हेड हैं उनके द्वारा आया गया नोटिस दिया गया है। देखिए उनके द्वारा क्या कहा गया है, 3 ग्रुप का जो है प्राविधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एलयू में विधि संकाय के डीन प्रोफेसर BD सिंह ने बताया, BD सिंह है आप लोगों के, ने बताया है कि 3 व 5 वर्षीय या नए पाठ्यक्रम के जो है अंतर्गत जो है 3 वर्षीय 5वें सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट जो है 5वें सेमेस्टर में प्रेजेंट टाइम में आप लोग होंगे 3 वर्ष के, अब छात्र छात्राओं के लिए 3 ग्रुप का प्राविधान कर दिया गया, मतलब 3 ग्रुप बना दिया गया। इसमें क्या दिया गया, इसमें आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपको पता होगा कि ऑप्शनल आप लोगों का जो है अब की बार आ चुका है, नहीं तो ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ ग्रुप व जो है बिजनेस लॉ ग्रुप, ये 3 ग्रुप बनाए गए हैं। इसके बारे में मैं प्रॉपर जो है डिस्कस करूंगा एक वीडियो में, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो है मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या स्कोप होगा इसमें, तो मुझे बारे में एक वीडियो के माध्यम से आपको जो है समझाऊंगा और बताऊंगा, तब जो है अपना डिसीजन लीजिएगा, अभी तो आपको डिसीजन नहीं लेना है। और आगे देखिए क्या लिखा गया है कि विद्यार्थी को कोई एक ग्रुप लेना होगा, एक ग्रुप आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपको जो है 5th सेमेस्टर में, तो ये 6th सेमेस्टर में भी काम करेगा। ठीक, इस ग्रुप में जो है 2 पेपर आपके होंगे, 2 पेपर मतलब जो है आप लोग के फर्स्ट और सेकंड होगा,
एक का चयन करना होगा, छठे सेमेस्टर में भी ये प्राविधान होगा। मतलब जो है अभी जो है एक पेपर का चयन करना होगा और यही सेम कंडीशन आप लोगों का जो है छठे सेमेस्टर में भी जो है लागू होगा, उसका जो है सेकंड पेपर। अगर आप ये आप चूज कर लेंगे फर्स्ट उसका, तो ये नहीं कि आप जो है दूसरे जो है आपका जो है कोर्स दूसरे जो है सिलेबस का जो है जाकर के जो है सिक्स सेमेस्टर में चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी चूज करेंगे वही आपको जो है सिक्स सेमेस्टर में भी लगेगा उसका सेकंड पार्ट। और आगे देखिए जो है जितने भी स्टूडेंट जो है आप लोग जो है फाइव ईयर्स के स्टूडेंट हैं, वो लोग जो है सेवन सेमेस्टर और एट सेमेस्टर के लिए क्या कहा गया है, उनके लिए कहा गया है कि जो है इसमें जो है इलेक्टिव ग्रुप के रूप में जो है यही ग्रुप होंगे, एक ही ग्रुप बनाया गया। विद्यार्थी सातवें सेमेस्टर में जिस ग्रुप का चयन करेंगे वही आठवें सेमेस्टर में भी होगा, ये उनके लिए भी जो है ये न्यूज ये अपडेट दे दिया गया है। ठीक, तो आप लोग जो है सेमेस्टर में जो है में भी जो है इंटर्नशिप के जो है दो नए पेपर शामिल है। क्या है, अभी तक एलएलबी तीन वर्ष के कोर्स में जो है छठे सेमेस्टर में मूट कोर्ट था, अब देखिए जो है आप पांचवें सेमेस्टर में इसे कर दिया गया। पहले क्या था कि छठवें सेमेस्टर आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है आपके पांचवें सेमेस्टर में ही जो है मूट कोर्ट का पेपर आ चुका है, सब्जेक्ट आ चुका है। आप लोग को मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता हो गया होगा। ठीक, और आगे देखिए क्या कहा गया कि इसके अलावा तीसरे सेमेस्टर के साथ साथ आप पांचवें सेमेस्टर में भी जो है इंटर्नशिप दे दिया गया। 21 से 30 दिन की इंटर्नशिप जो है अनिवार्य होगी, 21 से लेकर के 30 दिन तक आप लोग को इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं 21 से 30 दिन तक, तो आपके साथ दिक्कत होगी, आपके साथ प्रॉब्लम होगी, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप लोग किए थे। एलएलबी पांच वर्षीय और पांचवें और सातवें और नौवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप होगी, ये तीन सेमेस्टर में। देखिए पांचवें सेमेस्टर जो है सातवें सेमेस्टर एंड जो है नौवें सेमेस्टर में जो है इन लोग का इंटर्नशिप का जो है सब्जेक्ट दिया गया, इन लोगों का जो है इंटर्नशिप का एक सब्जेक्ट प्रॉपर अच्छे तरीके से दिया गया, इस कोर्स में जो है एनईपी के थ्रू जो है लागू होगा, जितने भी एलएलबी जो है फाइव ईयर्स के स्टूडेंट हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें जो है लीगल रिसर्च मेथड जो है पेपर जोड़ा गया है। दसवें सेमेस्टर में जो है प्लेडिंग ड्राफ्टिंग एवं जो है कन्वेंसिंग नाम से प्रैक्टिकल के नाम से कोर पेपर भी जोड़ा गया है, जो दसवें सेमेस्टर में जाएंगे टेंथ सेमेस्टर में उनके लिए भी ये अपडेट है। एलयू में एलएलबी के लिए सत्यापन दिया गया, देखिए और एक न्यूज में इसमें दिया गया है। एलयू ने एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में जो है के प्रथम सेमेस्टर में जो है प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राएं अगर फीस जमा कर चुके हैं तो उन्हें विधि संख्या में अपने जो है अभिलेख सत्यापन के लिए निर्देश दिए गए हैं। मतलब जो है एलएलबी जो है आप लोगों के जो है थ्री ईयर्स के जो प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट जो है विशल ईयर है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनका अगर जो है फीस जमा हो चुका है तो वो लोग जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, अगर नहीं करवा रहे तो उनके साथ दिक्कत होगी। ठीक, सारी चीजें जो है जानकारी समझ में आ चुकी होगी मेरी बताया हुई है। कोई भी जो है चीज अगर आपको मिस हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप लोग मुझसे कॉल मैसेज करके पूछिएगा 7985535991 पर एक बार कॉल मैसेज करके मुझे बताइए कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आया, इसमें क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो, इसी नंबर पे मैसेज करेंगे आप लोग जो है, चाहे एलएलबी थ्री ईयर्स के जो किसी सेमेस्टर में हो, चाहे एलएलबी फाइव ईयर्स के किसी सेमेस्टर में हो, तो मैं वहाँ जो है आपको ऐड कर दूंगा, तो आपको प्रॉपर सारी चीजें मिलती रहेंगी, प्रॉपर जो है आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगे, लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, वीडियो नोट्स सब सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करें और अपना और अपने मम्मी पापा के जो है सपने को अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाएं और उसे पूरा करें। ठीक, थैंक यू।